हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो पार्ट है वो है पार्ट थ्री। चैनल पे पार्ट वन और पार्ट टू भी है। यदि आपने नहीं देखा तो उन दो पार्टों को भी देख लीजिए। उसमें भी हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस जो है वो किया हुआ है। तो चलिए पार्ट थ्री को हम स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ मेरे बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज नॉट ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप। तो इसका जो आंसर है वो है रिंग। तो रिंग टोपोलॉजी है वो ब्रॉडकास्ट टाइप की नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। बग मींस, तो बग का मतलब क्या होता है? तो एरर होती है, लेकिन कौन सी एरर? तो लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम। आगे देखते हैं द पार्ट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द सेंट्रल प्रोसेसर व्हाट वॉज टू बी डन इज। तो उसको कहते हैं ऑपरेशन कोड। क्वेश्चन नंबर फोर। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम प्रोग्राम्स ओनली। क्वेश्चन नंबर फाइव। अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो ट्रांसलेटर क्या होता है? वो होता है अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर सिक्स। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अन इंटरप्रेटर। तो कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है इंटरप्रेटर के लिए। तो जो सबसे जो पहला है वो सही है। इंटरप्रेटर जनरेट्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम। इंटरप्रिटर इज अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटर। तो ये जो है वो गलत है। बाकी के जो तीसरा है वो इंटरप्रिटर एनालिसिस इच सोर्स स्टेटमेंट एवरी टाइम इट इज टू बी एग्जीक्यूट। तो ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर सेवन। द एरर्स that can be pointed out by the compiler are, तो उसको कहते हैं syntax errors। question number 8 c, मतलब c क्या है? तो computer के term में तो c जो है वो third generation high level language है। what is the full form of cdma? तो इसका जो full form होता है वो होता है code division multiple access। question number 10 The vast network of computers that connects millions of people all over the world is called internet. An ER diagram is graphic method of presenting. तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड, entity classes and their relationship. Question number 12. The OCR is used for the preparation of इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स या ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो OCR का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? इन तीनों जगह पे होता है। आगे देखते हैं। स्पीड ऑफ अ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो है पेपर मूवमेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन द सरफेस ऑफ ड्रम। तो लेजर प्रिंटर जो होता है उस लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग किस तरीके से की जाती है? तो उसमें जो लेजर बीम होता है वो रिफ्लेक्ट ऑन द ड्रम। तो इसका जो सही आंसर है किस पे? तो फोटो सेंसिटिव ड्रम की जो सरफेस होती है वहाँ पे लेजर बीम को रिफ्लेक्ट करके प्रिंटिंग किया जाता है लेजर प्रिंटर में। तो इसका जो आंसर है जो वो है फोटो सेंसिटिव। आगे देखते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ। तो इसका जो रिजोल्यूशन है वो होता है DPI। DPI मतलब डॉट पर इंच। आगे देखते हैं 16। व्हाट आर द यूनिट्स यूज्ड टू काउंट स्पीड ऑफ
प्रिंटर, तो प्रिंटर की स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं, पेज पर मिनट, पीपीएम। क्वेश्चन नंबर 17, अ बाइट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज फॉर कन्वर्टिंग की स्ट्रोक इनटू करस्पॉन्डिंग बिट्स। तो ANSI, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का जो कोड होता है वो यूज होता है जब आप की प्रेस करते हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग बीट बनती है। तो ओके, 19 क्वेश्चन, दिस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज इसेंशियल पेरिफेरियल सच एज कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव एंड पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स। तो वो है इनपुट आउट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेज करता है सारे इसेंशियल पेरिफेरल्स को। ओके तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतने ही, 19 क्वेश्चन, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।